गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाईफाई एजुकेशन हब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आंसर की है, किस प्रकार आप चेक करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में, पूरी चर्चा हम आपके साथ में लेके आए। दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कि आंसर की किस प्रकार आप चेक कर सकते हैं और आपका पेपर कितने आपने किए कितने छोड़े वो कैसे पता चलेगा आपको, इस वीडियो के अंदर पूरा देखिए। अगर आपको पता है तो इस वीडियो को स्किप करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ये सीबीटी बात करते हैं, ये एएलपी और टेक्निशियन के बारे में पूछा गया था कि किस प्रकार से है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसी प्रकार से सेम कैंडिडेट खुलेगा कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कैसे नहीं चेक कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से आपको जो नोटिस दिया जाएगा यहाँ बिल्कुल इसी प्रकार से मिलेगा। अब दोस्तों जैसे मान चलते हैं कि आपकी जो कोई एग्जाम से आपने क्वालिफाई किया या नहीं है, तो ये तो आपकी लिस्ट हो गई, ये हो गई। कैंडिडेट अपने जो नंबर्स वगैरह यहाँ सबसे पहले अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो आपसे डिटेल मांगी जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यही इसी प्रकार से आपके जो खुलेगा रिजल्ट के बारे में कि किस प्रकार ओपन होगा या नहीं होगा, तो सेम इसी डाटा खुलेगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले अपने पा जो है आईडी है वो आईडी डालनी होगी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके बाद में ये आपका जो कैप्चरा कीबोर्ड है ये डालना होगा। अब उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद में आपके तरफ एक तरफ जैसे ये प्रश्न उत्तर, एक तरफ पूरा प्रश्न उत्तर खुलेगा, एक तरफ आपने जो आंसर दिया है वो खुलेगा, और उसके बाद में जो ऑफिशियली जो आंसर की होगी चार ऑप्शन है उनके नीचे जैसे ये जिस तीन से ये, तो तीन के ऊपर आपको इस प्रकार से अलग से दिखाई देगा। तो ऑफिशियली आंसर की इस प्रकार आएगी और आपने जो अटेंड किया है या नहीं अटेंड किया वो आपके सामने आएगा। भी अटेंड किया है और जैसे आपने अटेंड किया एक नंबर दो नंबर तीन, अटेंड एक नंबर किया है तो आपका एक हो जाएगा ये। उसके बाद में यही आप इसके अंदर जो ऑप्शन होंगे चार ऑप्शन के बाद में अगर एक सही है तो आपको अलग ऑप्शन दिखाई देगा, ये धुंधला सा अलग ऑप्शन दिखाई देगा तो वो सही होगा। अगर दो नंबर आपने छोड़ दिया तो आपने कहा ये यहाँ पर जीरो आएगा, और यहाँ पर जो आंसर की के अंदर जो होगा वो थोड़ा गहरा दिखाई देगा कि ये आंसर की कंसेप्ट ये क्लियर है, उस हिसाब से आप अपना सही कर सकते हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ अगर आपके 60+ नंबर है तो आप फिजिकल शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छी है, इसके फिजिकल टाइम आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो रिजल्ट की जानकारी आपको बहुत जल्दी आपको जनवरी माह के अंदर प्रथम वीक के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो था हमने आप तक पहुंचाया है कि आंसर की किस प्रकार चेक करें। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगर आप ऑनलाइन हैं कि मुझे इसे किसके बारे में पता है नहीं है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे चेक करनी नहीं आती, तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो मैंने जहां तक आपको सूचना दी, वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। नए वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।